बलौदाबाजार जिला के सिमगा पुलिस ने फर्जी बिल लगाकर 10 लाख रुपए का आहरण मामले में 2 साल बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि दामाखेड़ा में सरपंच पूर्णिमा देवांगन, पति पूरण देवांगन और सचिव राजू देवांगन तथा उनके कुछ साथियों ने मिलकर कार्तिक पूर्णिमा धनी धर्मदास साहब के 625वीं प्रकाश उत्सव कार्यक्रम के नाम से फर्जी बिल लगाकर वर्ष 2020 में 10 लाख रुपए का फर्जी आहरण किया था, जिसकी शिकायत सिमगा थाने में प्रार्थी प्रकाश धाप के पति नथु ने दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने आरोपियों पर धारा 420, 467, 468, 471, 212, 120 बी, 34 भारतीय दंड विधान कायम कर विवेचना में लिया था। इस प्रकरण में पहले ही जनपद पंचायत के सीओ सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। साथ ही एक आरोपी ओम प्रकाश रजक उर्फ प्रकाश शुक्ला निवासी भीरू थाना सिमडेगा झारखंड द्वारा फरारी आरोपी को छुपने में मदद करना पाया गया। इसके बाद कल रविवार को इस आरोपी को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार कर सिमगा लाया और बाद में उसे न्यायालय समक्ष पेश कर जेल भेज दी गई है।